नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SBI की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। एटलीस्ट FD से 2 से 3 गुना रिटर्न आप ले सकते हो। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं SBI की कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें हम अच्छे से पैसा लगा सकते हैं, ताकि हमारा पैसा भी सेफ रहे और उसके अंदर रिटर्न भी अच्छा मिले, और कितना पैसा आप डालोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हर महीने हम 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कितना बनेगा 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, ये सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे यारों, और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो देखते हैं दोस्तों, क्या नाम है इस स्कीम का। इस स्कीम का सबसे पहले तो इसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। हाँ, ये एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों। म्यूचुअल फंड मतलब रिस्क, रिस्क है तो दोस्तों इश्क है। आप जितना भी कमाते हो, 10,000, 20,000, 25,000, 2,000 रिस्क लेने में कोई डर नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 10-20 हज़ार डाल दो, हर महीने 2,000 आप डाल सकते हो, 2,000 का तो रिस्क ले सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका एक साल का रिटर्न कितना है। इसने एक साल के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है 25% यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। लास्ट 3 साल की बात करें तो इसका रिटर्न है 32%, यानी कि 32% इसने रिटर्न निकाल के दिया है। और लास्ट 5 साल की बात करें तो रिटर्न है 21.35, यानी कि 21% इसने रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों, ओवर टाइम बात करें, यानी कि जब से फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 21%, इसलिए काफ़ी अच्छा रिटर्न इसके अंदर है। दोस्तों, अभी हम आगे बात करें तो फंड साइज, यानी कि इसका साइज़ कितना है, कितने लोगों ने पैसा लगाया है, 3,021 करोड़, यानी कि इतना सारा पैसा लोगों ने लगाया है, आपके और मेरे जैसे सब मिलके 2-2 हज़ार मिलके इसमें 3,000 करोड़ रुपया लगा है। अभी इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। इन्वेस्ट आप हर महीने 500 रुपये से कर सकते हो। अगर SIP करना है, भाई मैं पगार वाला हूँ, 10-20 हज़ार कमाता हूँ, मैं तो 2,000 नहीं, मैं तो 500 रुपये ही करूँगा। ठीक है, 500 से करो, हर महीने 500-500 कर सकते हो। अभी लमसम की बात करें तो आप लमसम यानी कि 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर। अभी दोस्तों, हम आगे बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा दे दिया, अभी वो फ्री में थोड़ी हैंडल करेगा आपका पैसा, पैसा तो लेगा ना, चार्ज लेगा ना। इसका होता है एक्सपेंस रेशियो, ये है 0.90, यानी कि काफ़ी अच्छा है, 1% से नीचे है इसलिए अच्छा रेशियो है। अभी एग्जिट लोड मतलब आपको पैसा चाहिए, बीच में 5-10 साल भरा, फिर आपको चाहिए, नहीं मेरे को पैसा चाहिए, अर्जेंट ज़रूरत है तो आप ले लो पैसा। एग्जिट लोड है 0.50, यानी कि 0.5% आपका कट जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। अभी दोस्तों, हम बात करते हैं, हमने तो पैसा दे दिया तो, लेकिन ये लोग पैसा डालते हैं कहाँ पे, कहाँ कहाँ इसका इन्वेस्टमेंट है ये भी देख लेते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट जनरली टेक कंपनियों में है, जैसा नाम है इसका टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, तो इसने इन्फोसिस में 25% लगा दिया है पैसा। देखो, जितना भी पैसा है वो 25% इन्फोसिस में जा रहा है, फिर भारतीय एयरटेल में इसका है, फिर टाटा कंसल्ट सर्विस में है 14%, भारतीय एयरटेल में 10% है, टेक महिंद्रा में 7.5%, फिर नेटफ्लिक्स है उसमें 4.5% है, HCL टेक में 4.5% है, विप्रो में 4.5% है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में 3.5% है, फिर प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड में 3.5% है, यानी कि सब अच्छी कंपनी है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, डिजिटल, अभी तो पूरा ज़माना डिजिटल है, डे बाय डे ग्रो हो रहा है IT सेक्टर, इसलिए तो बूम करने ही वाला है, आगे तो बढ़ने ही वाला है। अभी दोस्तों, हम बात करें तो आप कितना रुपया डालोगे तो आपको कितना मिलेगा। अभी दोस्तों, हम माने हम 2,000 का इन्वेस्टमेंट करें 10 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000, और उसके सामने मिलेगा आपको 10 साल के बाद 7,65,000। 7,65,000 में क्या, तो रुको, आगे बढ़ो, 2,000 अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टोटल रिटर्न, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000, और उसके सामने मिलेगा 22,70,000 रुपया, यानी कि 22 लाख रुपया मिलेगा। अच्छे 2,000 भरोगे तो 15 साल बाद आपको 22 लाख रुपया मिलेगा। अभी दोस्तों, वही स्कीम हम 20 साल के लिए करते हैं, 2020 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000, और उसके सामने मिलेगा 63,23,000 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। 63 लाख बहुत रकम होती है, 20 साल के बाद 63 लाख की वैल्यू इतनी नहीं होगी, लेकिन होगी। आज 2-2 हज़ार इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर 2,000 अगर 25 साल तक लगाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख, और उसके सामने आपको मिलेगा 1,73,00,000 रुपया। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 25 साल बाद बहुत वैल्यू होती है। तो दोस्तों, आज ही आप SBI विजिट कीजिए, या फिर SBI ऑनलाइन म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।